आपको लग रहा है कि 2019-20 जब कभी भी ये टॉर्चर का सिलसिला शुरू हुआ, लगभग 3 साल तक वो इसे झेलती रही। एक वजह ये भी हो सकती है, कहीं ना कहीं उसे भरोसा था कि सब कुछ एक ना दिन ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब ये उसके दोस्तों ने बताया कि ये ऐसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, शायद कुछ 10 से 14 बार उसको मारपीट किया है और उसका मतलब सेपरेशन का बात किया हुआ था। विकास जी, श्रद्धा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक प्ले में पार्टिसिपेट कर रही है, काफी खुश दिखाई दे रही है। किस तरीके का मिजाज था, एक खुशनुमा लड़की, फॉरगिव एंड फॉरगेट टाइप्स, इमोशनल बेंट ऑफ माइंड, या फिर बहुत स्ट्रांग और सब कुछ सहने का साहस रखने वाली? जी, बहुत ही स्ट्रांग थी वो। वैसे मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि ये अपना खुद का कुछ मैनेज कर पाएगी, और थोड़ा सा मॉडर्न ख्यालात की लड़की थी। ये जो वीडियो है सर, इसमें दिखाई दे रहा है कि श्रद्धा एक प्ले में पार्टिसिपेट कर रही है, हंस बोल रही है, नॉर्मल सी लड़की, लेकिन वो इतना टॉर्चर सह रही थी जिसके अब सबूत सामने आ रहे हैं। कभी सिगरेट बट से वो उसे जलाता था, कभी मारता था, कभी नाक पे, कभी थोड़ी पे चोट के निशान देता था जिसकी उसने उफ तक नहीं करी। ऐसा आपको यकीन हो रहा है कि आपकी बेटी ऐसा कर सकती है कभी? मुझे तो ये अभी बात ऐसे सुनने में आई है, तो मुझे इसी बात का दुख है कि ये इतना अगर कैसे सह पाई और हम लोग को इस बारे में पता तक चलने नहीं दिया। आपको कभी उसने कोई लेटर लिखा, कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की, व्हाट्सएप किया? ना, जब भी उससे पूछता था कैसी हो, कहाँ रहती हो, क्या करती हो, तब उसका जवाब यही होता था, ठीक हूँ, मैं इस जगह रहती हूँ और मेरे साथ ये आपका भी है।